Today, 19 July 2020. Chapter है menstruation, area of triangle, class 9, CBSE. Question number 1. Find area of triangle whose sides are 42 cm, 34 cm and 20 cm. इसका सॉल्यूशन जो करेंगे हम लेट साइड को लिखेंगे स्मॉल लेटर ए से 42 सेंटीमीटर बी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर कॉमा सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर देयरफॉर सेमी पेरीमीटर एस से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय टू ए का वैल्यू 42 बी का वैल्यू 34 और सी का वैल्यू 20 बाय 2 इज इक्वल टू 96 बाय 2 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. ये जो है सेमी पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर में ही हम लिखेंगे. तब एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस सिंबल से लिखेंगे. हीरोंस फार्मूला है यह रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ये हीरोंस फार्मूला हुआ रूट ओवर एस का वैल्यू बैठाइए यहाँ 48 48 माइनस एस माइनस ए 48 माइनस 42 एस माइनस बी 48 माइनस 34 और एस माइनस सी 48 माइनस 20 इज इक्वल टू रूट ओवर 48 इंटू इसको माइनस कर देंगे तो 48 में 42 माइनस हो जाने से ये हो गया आपका 6 और ये माइनस हो जाएगा 48 में 34 तो 14 इंटू 48 में 20 माइनस करेंगे तो 28. इस तरह से आप इसका पेयर बनाएंगे हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन का पेयर जो 28 का होगा प्रोडक्ट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फिर 6 को यदि लिखेंगे 3 इंटू 2 और 7 14 को जब लिखेंगे तो 7 इंटू 2 और 28 का 7 और इंटू 4 होगा लेकिन 4 का 2 इंटू 2 लिखेंगे. उसके बाद इस पेयर को हम गिनती कर लेंगे. एक 7 1 पेयर है तो एक बार निकलेगा 3 एक पेयर है एक 3 निकलेगा. अब 2 को गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चार पेयर आ जाता है. तो हाँ तो चार बार लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आठ बार आया तो मतलब चार पेयर हुआ. इसी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 इंटू 16 करेंगे तो 16 और 32 एक 33 33 यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आपका पहला नंबर का हो गया. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स पेरीमीटर. इसके सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आप लिखेगा √3a² / 4 इज इक्वल टू 36√3 इम्प्लाइज का साइन दीजिएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3 × 4 डिवाइडेड बाय √3. दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 6 × 2 12 सेंटीमीटर. पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आपका पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a तो 3 × 12 36 सेंटीमीटर. इसका यही आंसर होगा. डेट में 19 जुलाई के डेट में 19 जुलाई
2020 में होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 91 मीटर, 98 मीटर एंड 105 यानी 105 मीटर। दो क्वेश्चन मात्र आज जो है आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। थैंक यू।